जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी। कितना गलत इंतखाब था मेरा। किरण जैसी चालबाज और शातिर लड़की के जाल में मैं फंस कैसे गया? कोई लड़की पैसे की हवस में इतना गिर सकती है? क्या समझता रहा मैं उसे? क्या निकली? कितनी मोहब्बत की मैंने उससे, कितना चाहा उसे। उसने मेरे दिमाग को ठेस पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। शुक्र करें हमें सही वक्त पर पता चल गया, वरना किरण के साथ साथ उजाला को भी भुगतना पड़ता हमें। उजाला का जिक्र कहां से आ गया बीच में? वो भी उसी घर और उसी फैमिली का हिस्सा है। लगता है तुम्हारी आंखों से ना अभी तक उसके इश्क की पट्टी उतरी नहीं है। हेलो जी, आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहें। बात तो मुझे जरबाब भाई से करनी थी लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लगता है काफी सख्त नाराज है हम सबसे। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। बेहतर होगा कि आप में से कोई भी उन्हें इस पर फोन ना करे। लेकिन सुहेब, ये मामलात कब तक इस तरह से चलते रहेंगे? मैं मानती हूँ किरण से बेवकूफी हुई है, गलती हुई है उससे, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया वो घर पर है और आप में से किसी ने उसकी खबर तक नहीं ली। वो बहुत सख्त बीमार है। ये सब छोड़ें, आप ये बताएं कि आप चाहती क्या? मैं बस ये चाहती हूँ कि किरण और जरबाब भाई का घर ना टूटे। उसे जो गलती हुई है आप उसे माफ कर दें। आप लोग तो बड़े जर्फ वाले हैं, उसे माफ कर सकते हैं। लेकिन ये नामुमकिन है। किरण ने जो धोखा हमें दिया है उसकी तलाफी नहीं हो सकती। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी आपसे। मुझे लगा आप मेरी बात समझेंगे और अपने घर वालों को समझाएंगे। मुझे एक बात बताएं, आप इस मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? बात मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, बात मेरे घर वालों की इज्जत की है। उस वक्त कहाँ थी आपके खानदान की इज्जत जब आप लोग हमसे झूठ बोल रहे थे? तब आपको अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था? कोशिश की थी मैंने और बीजा ने, बहुत कोशिश की थी कि धोखे से शादी ना हो, लेकिन किरण ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। जो लड़की अपने बुजुर्गों की इज्जत ना कर सकती हो, आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे? मैं मानती हूँ किरण से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी बाकिरदार लड़की है। उसने जो भी गलती की है उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमने बचपन से पैसे की बहुत कमी देखी है। बस वो अच्छी जिंदगी के ख्वाब देखने लगी, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने सिर्फ झूठ का सहारा लिया, वरना वो बहुत अच्छी लड़की है। सरबाब भाई के अलावा उसने कभी किसी को नहीं चाहा है। आप प्लीज ये रिश्ता टूटने से बचा लें। मेरी बात सुने आप,
आपकी कजन ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। मेरे पेरेंट्स इतने स्टेटस कॉन्शियस नहीं थे कि किसी मिडिल क्लास में शादी ना करते। कर सकते थे। आपकी कजन ने झूठ बोला, पूरे खानदान वालों के सामने हमें रुस्वा करवा दिया उसने। सोहेब, किरण से जो भी गलती हुई है मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी। बस आप ये घर टूटने से बचा लें। प्लीज कुछ भी करें, लेकिन सरबाब भाई और किरण का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, प्लीज। क्या हुआ है, खबर सुन के खुशी नहीं हुई क्या? पता नहीं मुझे खुश होना चाहिए या नहीं। अरे तुझे तो खुशी से भंगड़े डालने चाहिए। तुरक का पत्ता हाथ लगा है अब तुम्हारे, देखना मजबूर होकर तुम्हारा हक तुम्हें देंगे ही देंगे। मैं तो कहती हूँ बच्चा पैदा करो, लो तलाक, बंगला अपने नाम कराओ और 2 करोड़ रुपया लो उनसे। पट्टियां पढ़ानी शुरू कर दी तुमने इसे? अल्लाह अम्मा जी, आपको कौन समझा है? मैं पट्टियां नहीं पढ़ा रही हूँ, अकल की बात समझा रही। क्या अकल की बात समझा रही? इस उम्र में तुम दोनों ने मुझे जलील करवा के रख दी। मैं किसी के आगे आंख नहीं उठा सकती, सर झुका दिया मेरा। बेटा फोन उठाओ और जरबाप को फोन करो और माफी मांगो। मुझसे बात नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे मुझे। तुम दोनों ने हरकत ही ऐसी की है, इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे बिल्कुल। फिर आप मुझसे क्यों कह रही हैं कि मैं उनसे बात करूं? क्यों मुझ पर दबाव डाल रही हैं? उनके घर में और जरबाब की जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। देखो, उसने तुमसे मोहब्बत की है, तुम उसके आगे रोगी, गिड़गिड़ाओगी, अपने होने वाले बच्चे की खुशखबरी सुनाओगी तो यकीनन तुम्हें माफ कर देगा। अम्मा जी, आप इस वक्त चुप रहें तो ज्यादा अच्छा। मेरी बेटी है ना, मैं खुद समझा लूंगी इसे। मैं इसे सारी जिंदगी समझाती रहूंगी। बहुत शौक था ना तुम्हें इसे ब्याने का, हैं? इतने बड़े घर में ब्या दिया। देखो, शादी हमेशा अपनी हैसियत के लोगों के साथ करनी चाहिए। हैसियत से ऊंची छलांगे लगाओगे ना तो अंजाम यही होगा। माफ कर दे अम्मा जी, आपको तो मौका चाहिए कहानियां बनाने के लिए। परेशानी से मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। परेशानी तुम्हारी अपनी पाली हुई है ना, ना तुम उनसे झूठ बोलती, ना उन्हें बेवकूफ बनाती, ना उन्हें धोखा देती, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कसम खुदा का, 1 करोड़ रुपया तुम दोनों ने शादी पे लगा दिए और वो बख्तियार बेवकूफ कहीं का बाकी रकम उसने उड़ा ली। क्यों रो रही हो बेटा? फोन करो, उसे माफी मांगो। वो नहीं करेंगे माफ, मुझे नहीं उठाएंगे मेरा फोन। अच्छा फिर तुम एक काम करो, कल तुम मुझे अपने ससुराल लेके चलो, ठीक है? तुम्हारी खातिर मैं उनके पैर पड़ जाऊंगी। अपने बच्चे की खुशी तुम खुद जरबाब को सुनाना, खबर सुन के उसका दिल पिघल जाएगा, तुम्हें माफ कर देगा। देखो, तुम्हारी औलाद को ना उस घर में पलना चाहिए, समझ रही हो मेरी बात? या अल्लाह तेरा शुक्र, कोई बात तो तुम्हारे भेजे में आई। इस परेशान तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने किरण की शादी इतनी धूमधाम से कैसे कर दी। तो यही सोचकर हैरान, 5-स्टार होटल में शादी कर दी और इतना सारा जहेज दे दिया और अपनी रस्मों में अपनी हैसियत से बढ़कर पैसा लगाया। डिफेंस में घर,
दो गाड़ियां, नौकर चाकर, इतना पैसा आया कहां से? मुझे तो लगता है कि कोई ढाका वाका डाला है उन लोगों ने, क्योंकि मुझे तो वो दो नंबर लोग लगते हैं। अम्मी, ऐसे लोग नहीं है वो। तुम्हें क्या पता उन लोगों के बारे में, कितना जानते हैं उनको? मुझे तो कोई पेशावर चोर लगते हैं, पता नहीं कितने घरों को लूटा होगा। बाबा, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, उन लोगों ने झूठ जरूर बोला आपसे, लेकिन जो पैसा उन लोगों ने आपको दिखाया था वो चोरी का नहीं था। किरण भाभी का कोई प्राइस बॉन्ड निकला था, शायद 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का। उन्होंने पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की बजाय सारा का सारा पैसा अपनी शादी पे लगा दिया था। जर बाप की सूरत में लॉटरी जो निकल आई थी उनकी। तुमसे ये सब किसने कहा? उजाला से बात हुई थी मेरी, उसने बताया मुझे। क्या तुम अभी तक उस लड़की से रابطے में हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी? अम्मी, मैं बस अब मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम ना सुनूं, और उससे शादी के बारे में तो अब तुम सोचना भी मत। मैंने कहा है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? मैंने शादी की बात कहाँ की? अभी नहीं की ना, बहुत अच्छी बात है, आइंदा करना भी मत, समझ गए? हद होती है। किसकी कॉल है? किरण की। बाबा, मैंने कहा था ना बीजा, मेरा फोन नहीं उठाएंगे। मैं तुम्हारी सास को फोन में ला रहा हूँ, तमीज से बात करना उनसे। मैं तो बात कर लूंगी तमीज से, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करेंगी। मुझे दे फोन, मैं करती हूँ बात, देखती हूँ कैसे नहीं बात करेंगे, उनके अच्छे भी बात करेंगे। जब बच्चे का पता चलेगा ना, खुशी से फूले नहीं समाएगी वो। मिला नंबर मुझे दे। हद हो गई है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं आपकी समधन बात कर रही हूँ, कौन बात कर रही, क्या मतलब है? तुम्हारी सास का फोन है, मेरी बात सुने आप। इस खुशफहमी को अपने दिल से निकाल दें कि अब हमारा आपसे कोई ताल्लुक है, समझ गई? जो भी ताल्लुक था हम वो खत्म कर चुके हैं। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, हमारे बीच ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? आपके घर की मेरी बेटी बहू है, और माशाल्लाह से एक बच्चे की माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिएगा बच्चा बिल्कुल जरबाब जैसा हूबहू पैदा होगा इंशाल्लाह। झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ। अरे भाई मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी, और वो भी बच्चे की बात पर? आप जैसे लोगों के लिए झूठ छोटा या बड़ा नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी धोखेबाज बेटी को फिर से यहाँ भिजवाने के लिए कोई नया खेल रचा रही हैं? अरे मियाँ जबान को लगाम दो, मेरी बेटी हम लोगों पर इतनी भारी नहीं है कि मैं इतना बड़ा झूठ बोलकर उसे उसके घर भेजूं। मैंने तो फोन किया था कि बच्चे की खुशखबरी सुनोगे तुम, खुश हो जाओगे, नहीं तो ना सही मेरी तरफ से जाओ भाड़ने, आप कोर्ट में मिलेंगे। अम्मा क्या कर रही हो, बात बिगड़ जाएगी, मुझे बात करने दो। मैं बात बिगाड़ रही हूँ? अरे ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ, का जवाब पत्थर से ना दिया ना तो मेरा नाम भी। बहुत अच्छे से पहचान गया आप लोगों को। एक बात बताइए, आप और आपकी बेटी मिलकर कितने और लोगों को धोखा दे चुके हैं अब तक? देखो जरबाब, मैं जब से काम ले रही हूँ, पर जिस किस्म के घटिया इल्जाम तुम हम शरीफों पे लगा रहे हो ना, बर्दाश्त से बाहर है। शरीफ और आप लोग, बहुत पते की बात बता रही हैं। तुम बाज नहीं आओगे अपने तन से? और आप बाज नहीं आएंगे झूठ बोलने से, है ना? अरे एक झूठ ही तो बोला था, माफ नहीं कर सकते हो? अपने बच्चे के लिए माफ कर दो। देखो 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, अपनी बीवी को इज्जत से घर ले जाओ, वरना फिर मियाँ कोर्ट में मुलाकात होगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, अदालत में तो मुझे जाना चाहिए मैडम, ठोस सबूत हैं आपके खिलाफ मेरे पास। अरे तुम अपनी बीवी पर केस करोगे? उसे तो मैं अंदर करवा दूंगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपनी बीवी के लिए इतनी घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ज़मीन में क्यों नहीं गड़ रहे हो तुम इस वक्त? और उसे शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते, मुझसे झूठ बोलते हुए? अरे मैं तो तुम लोगों को खानदानी लोग समझती थी, ये होते हैं खानदानी लोग।
अपनी घर की बीवी को बहू को थाने में पहुंचाने की बातें कर रहे हैं? क्या बोलूं अब मैं? खानदान की तो आप बात मत करें, आप जैसे लोगों को क्या पता कि खानदानीपन होता क्या है। देखो आप बीच में मत बोलो, ये मेरा और मेरे दामाद का मामला है इस वक्त। कौन सा दामाद? नहीं रहा अब वो आपका दामाद, जो बात करनी है आपको मुझसे करें। अरे तुम लोगों ने मेरी बेटी को मुफ्त का माल समझ रखा है, जब जी चाह ले गया, जब जी चाह धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। सरवा में तुमसे बात करी, अब माँ की गोद में क्यों छुप रहे हो? मैं तुम लोगों पे केस करूंगी, तुम लोगों सब के सब को पूरा खानदान को अंदर कराऊंगी। बीवी पे हाथ उठाने के जुर्म में पूरी जिंदगी जेल काटोगे तुम। हाँ खुदा का वास्ता है, बस कर दो। अंदर तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को करवाऊंगा, समझी? अरे लाने तो तुम पर, लाने तो तुम पर। सामने आके मुझसे बात करो ना, फोनों पे धमकियां दे रहा है ये। बीवी पे हाथ उठाने का जुर्म जानते हो तुम? अरे मैं टीवी पे जाऊंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, बड़ी से बड़ी अदालत में जाऊंगी, तुम्हें तो देख लूंगी। तुम समझते क्या अपने आप को? अच्छा मैं धमकी मत दे, आपकी धमकी से हम डरने वाले नहीं है। अरे तुम लोगों पे, ये खानदानी लोग है, मनहूस मारे नाम के खानदानी लोग, गंदे लोग, पता नहीं कहां से मुसीबत मारे पेश पड़े। तुझे शौक था ना वहां शादी करने का, अब भुगत। तुझे मैंने बात संभालने के लिए कहा था फोन करना, कि तू और बात बिगाड़, ऊपर से उनको लड़ रही है आगे से। इस काबिल है मतलब धमकियां दे रहा मुझे, रुसरत आने को देख लूंगी मैं इसको, जेल भेजेगा ये टकेगा आदमी। हमें धमकियां दे रहे, नुसरत आरा को धमकियां दे रहे, उसकी बेटी को जेल भेजेगा। कर लो बात, औकात है इनकी। क्या लग, किस बात की सजा मिल रही है हम लोगों को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ओ खुदाया, बेटा क्या हो गया है? कितने घंटों से कमरे में अकेले बंद हो, खाने पर भी नहीं आए। अम्मी मुझे तो भाभी की अम्मी भी गुस्सा आ रहा है, कैसी अजीब खातून है, धमकियों पे उतर रही हैं। ऐसी माएं होती हैं जो अपनी बेटियों को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के उनका घर बर्बाद कर देती हैं। लड़की अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर वालों से बहुत कुछ सीखती है बेटा, वो भी तो उसी घर में पली बड़ी है ना, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। लेकिन बेटा लोग सही कहते हैं कि लड़की देखने के साथ साथ उसका पूरा खानदान भी देखना चाहिए। ये पैसा वैसा जो होता है ना, ये रख रखाव नहीं सिखाता। मैं तो लड़की में ये देखती हूँ कि लड़की कितनी शरीफ है और उसका खानदान कितना शरीफ और पढ़ा लिखा है। बस मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि उजाला ऐसी नहीं है। देखो बेटा मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना बाबा, मेरी खातिर। आई लाइक हर, किरण और उजाला को कोई कंपैरिजन नहीं है। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी माँ ने सुन लिया तुम? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो उनसे बात नहीं करने गया, डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप हम दोनों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। शार, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया इन हालात में, उजाला से तुम्हारी शादी। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं हालात के बेहतर होने का इंतजार कर सकता हूँ। किन हालात की बेहतरी की बात कर रहे? जरबाब और किरण के दरमियान हालात की बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। न जरबाब सुलह के लिए तैयार है,
न किरण और उसकी माँ अपनी शराइत से पीछे हटने को। तुम्हारी माँ तो किरण को माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बेहतर होगा कि तुम उजाला को अपने दिलो दिमाग से निकाल लो। दुनिया में अच्छी लड़की की कोई कमी नहीं है। आप परेशान मत हो वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मुझे इतनी रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। काश ये सब कुछ देखने से पहले मैं मरी जाती। जान, आपको खुदा का वास्ता ऐसी बातें तो अपने मुंह से मत निकाले। तो क्या करूं, इन दोनों माँ बेटी ने तो शर्मिंदा करवा दिया, पूरे मोहल्ले में खबर पड़ गई है, सब लोगों को इज्जत हो गए। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। जान, वो दोनों खुद भी बहुत शर्मिंदा हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि शर्मिंदा हैं, इज्जत तो गई ना। जान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम समझाएंगे, बात करेंगे। वो मानी जान से कहते हैं कि किरण को उसके ससुराल भेजे, माफी मांगे वो उनसे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। वो दोनों सच में बहुत परेशान हैं। वो तो होंगी। जब इस तरह के काम करेंगे तो परेशान तो होना ही है। मना किया था कि मत करो ये शादी, मत करो ये शादी, लेकिन मेरी तो किसी ने एक ना सुनी। अपने साथ साथ हमारे मुंह पर भी कालक मल ली। मैं तो उन लोगों के सामने जा ही नहीं सकती, उनको शक्ल ही नहीं दिखा सकती। मुझे तो उसकी मां बनने की खबर भी झूठ लग रही है। इस घर में आने के लिए उसने कोई नया ड्रामा रचाया है। उसके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। उसने व्हाट्सएप किया मुझे अपनी रिपोर्ट्स। वो सच में एक्सपेक्ट कर रही है मुझे। अच्छा, तुम क्या उससे रابطे में हो? नहीं, मतलब रابطे में नहीं हूँ, लेकिन वो फोन कर रही है, मैसेजेस कर रही है, माफी मांग रही है रोकर। अब क्यों रो रही है वो? उन लोगों ने तो हमें ऐसा फंसाया, ना हंसने के काबिल छोड़ा और ना ही रोने के। लोग अपनी बेटियों की किस्मत अच्छी होने की दुआएं मांगते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह से बहुएं अच्छी होने की दुआएं मांगनी चाहिए। भाई के लिए अब बहुत सोच समझ के लड़की पसंद कीजिएगा। अम्मी, वो है कहाँ? कल रात को भी खाने पे नहीं आया। मूड बहुत खराब है भाई का, कमरे में ही नाश्ता कर लिया। समझ गई हूँ मैं, लड़की के दूर जाने के ख्याल से परेशान हो रहे। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कैसे मेरे बेटों को चिमट गई हैं। उजाला में ऐसी कौन सी खास बात है जो जुहेब के दिल और दिमाग से निकल ही नहीं पा रही? खैर, उजाला तो फिर भी बेहतर और खूबसूरत लड़की है। जितनी भी खूबसूरत हो, उसका और जुहेब का कोई जोड़ी नहीं है। किरण या उसके खानदान से अब कोई भी लड़की इस घर में नहीं आ सकती। सरबाब, तुम वकील से राब्ता करो और जल्द से जल्द इस मामले को निपटाओ। इस हालत में उसे तलाक नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ कि बातचीत से मामले को निपटाओ, अगर कोई मसालेत की गुंजाइश है तो। नहीं बाबा, मैं किरण को माफ नहीं कर सकता। बेटा,
मुझे भी उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उससे ताल्लुक तोड़ लें। अगर वो कम अकल है तो हम तो नादान नहीं है ना, और तलाक देना कोई मजाक नहीं है। इस तरह तुम हमेशा के लिए अपनी औलाद से महरूम हो जाओगे। मैं कोर्ट जाऊंगा लेकिन अपनी औलाद को उन साहिलों के पास नहीं छोड़ूंगा। बच्चों के मामले में अदालत माँ के हक में फैसला देती है। कुछ भी हो जाए बाबा, मैं किरण को माफ नहीं कर सकता। सही करोगे, कुछ भी हो, कुछ गुनाह कुछ गलतियां माफ करने के काबिल नहीं होती। हर गलती काबिल माफी होती है अगर माफ करने वाले के दिल में गुंजाइश हो तो, लेकिन वो गुंजाइश फिलहाल मेरे दिल में पैदा नहीं हो रही बाबा। कुछ टाइम के लिए ये बात करना छोड़ दें, जब तक मामला ठंडे नहीं हो जाते इस बात को ना करें। किरण, परेशान हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? तुम मेरे जले पर नमक छिड़कने के लिए आई हो? नहीं किरण, मैं बस ये कहने आई हूँ कि अपना घर बर्बाद होने से बचा लो। माफी मांग लो जरबाब भाई और उनके घर वालों से। मांग तो लिए माफी, अब क्या चाहते हो तुम लोग? पैर पड़ जाओ उनके। किरण, गलती भी तो तुम्हारी है, तुम्हें ही झुकना पड़ेगा। इतनी बार माफी मांगी है लेकिन सरबाब मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्या करूं मैं? सरबाब भाई गुस्से के तेज जरूर हैं लेकिन बहुत प्यार करते हैं तुमसे। हो सकता है कि तुम उनसे माफी मांग लो, उनके सामने झुक जाओ तो उनका दिल भी पिघल जाए। कहीं इसलिए तो तुम ये सब नहीं चाहती कि मैं उनसे माफी मांग लूं और तुम्हारी राह हमवार हो सके? किरण, तुम्हारे और जहेब के बीच जो चल रहा है ना, उसका सबको इल्म है, सब जानते हैं इस बारे में। जहेब से शादी के ख्वाब अपने दिल से निकाल दो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम जहेब से शादी के ख्वाब देखोगी और तुम्हारे वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे? उसके घर वाले तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे, जहेब को आग कर देंगे लेकिन तुम्हें उसकी जिंदगी में शामिल नहीं होने देंगे। और रही बात मेरी, तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरे ससुराल वाले मुझे माफ कर ही देंगे, आखिर बहू उनकी, बहुत जल्द उनके खानदान को वारिस देने वाली हूं। और सरबाब, सरबाब मुझे इस हालत में छोड़ नहीं सकते। तुम्हें समझा रही हूं कि मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना, इनकी कोई ताबीर नहीं है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, देख लेना, इसी रास्ते पर चलते चलते मुंह के बल गिरोगे। बढ़िया है, मुझे समझाने वाली। मेरे ससुराल पर नजरें जमाए बैठी है, किसी की, किसी मनहूस की काली नजर लगी होगी मेरे रिश्ते को।
ये मैं हूं। मैं ऐसे तो नहीं थी। ये मैंने क्या किया अपने साथ? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। इतने बड़े बड़े झूठ ना बोले होते। मुझे क्यों ऐसा लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो मैं सब संभाल सकती हूं। अब मैं क्यों खुद को बेबस महसूस कर रही हूं? आज मैं खसारे में हूं और उजाला वो तमाम तर सच्चाइयों के साथ सुहेब से शादी के ख्वाब देख रही है और सुहेब तो उस पर मरता है। सरबाग की तरह माँ बाप का गुलाम नहीं है वो। किसी भी तरह उन्हें रजामंद करके उजाला से शादी कर ही लेगा और मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दूंगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं होने दूंगी मैं। पी लो, ठंडी करके पियोगे। कहाँ जा रही हो? फैसला करने। कैसा फैसला? या तो जरबाब मुझे माफ कर देंगे या फिर मुझे तलाक देंगे। पागल हो गई हो तुम? इस हाल में बाहर जाओगी? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दें। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कोई 19-20 हो गई तो बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मुझे। अपना नहीं तो कम अज कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। ठीक कह रहा है। ये बच्चा तुम्हारे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। इस बच्चे के जरिए तुम जबाब से लाखों रुपए हथिया सकती हो। हक मेहर की रकम के साथ साथ और पैसे मांगो। अरे पैसों में खेलोगी तुम? मैं तो कहती हूँ खत्म करो इस शादी को, इस किस्से को खत्म करो। जान छुड़ाओ इन लोगों से, तलाक लो इससे। कैसी बातें कर रही हो अम्मा? क्यों उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो उसे? उल्टी सीधी पट्टियां? अरे ये बेटी है मेरी, इसके फायदे की बात कर रही हूँ मैं। और तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से इसका घर बस नहीं रहा। इसकी खुशी इसी में है कि जरबाब के साथ जाके रहे। जरबाब इस वक्त ऑफिस में होगा, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ उसकी फैक्ट्री। अरे तुम भी इसके साथ मिल गए? हाँ मिल गया उसके साथ, क्योंकि मुझे उसका घर बसता हुआ देखना है, उजड़ता हुआ नहीं जैसा तुम चाहती हो। चलो किरण। माँ की बात नहीं मानेगी ना, देख लेना नुकसान उठाएगी ये लड़की। मैं सर, मैंने रोकने के लिए बहुत कोशिश की पर इन्होंने नहीं सुनी। ठीक है, अब जाइए। क्या करी हुई? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन ये फैक्ट्री है, घर नहीं है। प्लीज यहाँ कोई तमाशा मत करो। मैं भी यहाँ कोई तमाशा नहीं लगाने आई, अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं कुछ समझ नहीं पाई। प्लीज जरबाब एक बार मेरी बात तो सुने। अब पछताने का क्या फायदा? मुझसे गलती हो गई है और मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, सिर्फ आपको पाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि मेरी हकीकत जानने के बाद कहीं आप मुझे रिजेक्ट ना कर दें, इसीलिए झूठ बोला था। मैंने सोचा। क्या सोचा तुमने? क्या सोचा हा? क्या सोचा तुमने? अगर मैं गरीब लड़की से मोहब्बत कर सकता पर शादी नहीं कर सकता, तो मैं ये गलत फहमी है ना कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुम बहुत अमीर लड़की थी, तुम्हारा स्टेटस और ये जरूर सच है कि तुमने मुझसे शादी ये सब पैसे के चक्कर में की। नहीं है, मैं वाकई आपसे मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। जाओ यहाँ से, गो। ठीक करें, मुझे देखकर ऐसे ही आपको नजरें फेर लेनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती को मेरी नादानी समझकर माफ कर दें। मैं मान रही हूँ ना गलती, मुझसे गलती हो गई है, भूल जाए उसे।
ऐसे खामोश तो मत रहे, मैं मुझे मुझे मार ले, आप मुझ पर हाथ उठाए, मैं उफ भी नहीं करूंगी, लेकिन कुछ तो कहें। हाथ मत लगाओ मुझे। देखो किरण, हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक बाकी है नहीं, और ये बच्चा होते ही तुम्हें तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे। सो नहीं, ऐसा मत कहें, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे ऐसा मत करें प्लीज, मुझे नहीं चाहिए तलाक, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। तुम जा रही हो या मैं जाऊं? मैं चली जाती हूँ। मेरी सर की कसम खाए कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो मैं यहां से चली जाऊंगी। खाए कसम। करता था, अब नहीं करता। अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूं। कितने पत्थर दिल है आप, मेरा इतना रोना गिड़गिड़ाना देखकर भी आप पर कोई असर नहीं हो रहा। सर होगा भी नहीं, प्लीज जाओ यहां से, वरना। वरना क्या? अपनी प्रेग्नेंट बीवी को धक्के देकर इस ऑफिस से बाहर निकाल देंगे। शर्म आ रही है मुझे तुम जैसे मर्द को अपना शौहर कहते हुए। अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है जो घंटों उजाला से फोन पर बातें करता है, उससे उससे शादी के वादे करता रहता है, लेकिन तुम। ए, ए, ए। मेरे भाई का उजाला से कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम्हारे खानदान में शादी के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। अरे तो जाओ जाकर पूछो अपने भाई से कि दिन में कितने घंटे वो जाला से फोन पर बातें करने में गुजार देता है। मैंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, आपसे माफी मांगी, आपके पैर पकड़े, लेकिन आपने आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं कोई उल्टा रास्ता इख्तियार करूं। ओह प्लीज किरण, उल्टे रास्ते अपना कर ही तो तुम यहां तक पहुंची हो। तो भी ठीक है मिस्टर जबाब, अब आपसे मुलाकात कोर्ट में होगी। Really? मेरा जहेज, मेरे जेवरात और मेरी हक मेहर की रकम तैयार रखिए, और उसके साथ साथ ही मेरा खर्चा भी। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी।